नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिल्ली का शाहीन बाग अब सीए के विरोध के लिए कम और अपनी हरकतों के चलते ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। बता दें कि शाहीन बाग प्रदर्शन सीए और एनआरसी के विरोध के लिए किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, जिसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस कानून को वापस नहीं लेगी, तो वहीं दूसरी तरफ एनआरसी की बात करें तो उसे अभी सरकार ने लागू करने की कोई कवायद शुरू नहीं की है। लेकिन इन सबके बावजूद ये प्रदर्शन पिछले लगभग 1.5 महीने से बदस्तूर जारी है। बता दें कि इस प्रदर्शन को विपक्ष फंडेड भी बताया जा रहा है। बता दें कि इस प्रदर्शन में मुस्लिम वर्ग की महिलाएं और बच्चों को आगे किया गया है। गौरतलब है कि शाहीन बाग में बैरिकेडिंग लगी हुई है, जिसके उस तरफ सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो कि उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं, और जो उनकी विचारधारा से उलट हैं, उन्हें बैरिकेडिंग के उस पार जाने की इजाजत नहीं है। और अगर आप इसे पार करने की कोशिश करते हैं तो ये तथाकथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो जाता है। इस वजह से बैरिकेडिंग के उस पार एक ऐसा माहौल बन चुका है जिसे अब पाकिस्तान की संज्ञा भी दी जाने लगी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तथाकथित पाकिस्तान को असल पाकिस्तान साबित करने की कवायद भी शुरू हो गई है। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कर लड़कियों की शादी मुस्लिमों से करवाई जाती है, लेकिन अब ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बता दें कि शाहीन बाग में जबरन धर्मांतरण कर शादी करवाने की कोशिश के चलते एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, युवक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने लड़के के मंसूबों पर पानी फेरते हुए मेरठ से लापता हुई लड़की को पुलिस ने शाहीन बाग से बरामद कर लिया है। बता दें कि लड़की मेरठ के परतापुर के सोरखा गांव की रहने वाली है। कुछ दिनों पहले ही उसकी मुलाकात शहजाद से हुई थी और फिर 25 जनवरी को वो लड़की गायब हो गई। लड़की के परिजनों ने आरोपी लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लड़की के परिजनों ने शिकायत में आरोप लगाया है कि शहजाद उसे अगवा कर जबरन उसका धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाना चाहता था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगवा की गई लड़की को 28 जनवरी को दिल्ली के शाहीन बाग से बरामद कर लिया है, जिसके बाद लड़की से पूछताछ करने के बाद अब आरोपित शहजाद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें कि युवक पर लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप है। उस पर आरोप है कि वो लड़की का धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था, लेकिन यूपी पुलिस ने उसे दबोच लिया। सीओ ब्रह्मपुरी चक्रपाणि त्रिपाठी का कहना है कि ये मामला अपहरण का है या नहीं, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लेकिन शहजाद की इस हरकत से इतना तो साफ हो जाता है कि उसे यकीन था कि अगर वो शाहीन बाग में जाकर छुपेगा तो उसे कोई नहीं पकड़ सकेगा। ऐसे में शाहीन बाग किस तरह की शक्ल लेता जा रहा है, आप खुद तय कीजिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।